आज हम देखेंगे ग्रेविटी डैम। तो डैम होता क्या है? डैम इज़ अ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर और स्ट्रीम टू रिटेन द वाटर। ठीक है, ये रिवर के अक्रॉस बनाया जाता है ताकि वाटर को रोका जा सके, प्रिवेंट द फ्लो ऑफ वाटर एंड एक्युमुलेट इन द डीप स्टोरेज रिवर। तो इसमें डीप स्टोरेज रिजर्वायर बनाया जाता है जिसमें पानी को रोका जाता है। फिर इसमें इसकी कुछ टाइप्स ऑफ डैम है वो देख लेते हैं। विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल है, मटेरियल में अर्थ डैम होता है, कंक्रीट डैम होता है, स्टील डैम होता है, टिम्बर डैम होता है। और विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चरल इसकी जो टाइप्स हैं उसमें हम देख लेते हैं। स्ट्रक्चरल बिहेवियर के तौर पे ग्रेविटी डैम होता है और आर्च डैम होता है, बटरस और एम्बैकमेंट डैम होता है। और उसके बाद आ जाता है विद रिस्पेक्ट टू दी हाइड्रोलिक बिहेवियर, हाइड्रोलिक बिहेवियर के लिए एक ओवरफ्लो डैम होता है और दूसरा नॉन ओवरफ्लो डैम भी होता है। और विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन जो इसकी टाइप्स को इसको डिस्क्राइब किया गया है वो है स्टोरेज डैम, डाइवर्जन डैम, कोफर डैम और पावर जनरेशन डैम। फिर इसके बाद आ जाता है हम बात करेंगे आज कंक्रीट ग्रेविटी डैम की, जिसमें जो पूरा का पूरा ग्रेविटी के अंडर बना जाता है, उसमें बनाया जाता है, उसमें सारे मट्टी या ब्रिक से फिल किया जाता है और उसका निचला हिस्सा जो होता है वो कंक्रीटिंग से जोड़ा जाता है ज़मीन के साथ। तो उसे हम कंक्रीट ग्रेविटी डैम कहते हैं। तो आज हम उसको देखेंगे। कहते हैं ग्रेविटी डैम जो होता है कंक्रीट से बनाया जाता है, सॉलिड कंक्रीट से बनता है ये अक्सर, और ये मिट्टी से भी बन सकता है। ठीक है, ज़्यादातर ये कंक्रीट से बना होता है और जिसकी स्टेबिलिटी अगेंस्ट द डिज़ाइन लोड, डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ये बनाया जाता है। उसकी देखा जाता है कि उधर कितना लोड आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको स्टेबिलिटी को डिज़ाइन किया जाता है ताकि वो उसको बेयर कर सके उस प्रेशर को। और उसकी ऐसी शेप बनाई जाती है और मास इतनी स्ट्रेंथ दी जाती है ताकि वो उसको बेयर कर सके। ग्रेविटी डैम इज़ अ प्रोपोर्शनल डैट इट्स ओन वेट रेजिस्ट दी फोर्स एक्टिंग अपॉन इट। ग्रेविटी डैम को इस तरह बनाया जाता है कि उसका वेट ही एक तरह से उसकी रेजिस्टिव फोर्स बन जाती है हर दूसरी आने वाली फोर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो कि उसको तोड़ना चाहती है उस फोर्स के अकॉर्डिंग उसके लिए एक ढाल बन के सामने आती है। और फोर्स एक्टिंग ऑन दी ग्रेविटी डैम, अब जो फोर्सेज एक्ट करती हैं ग्रेविटी डैम पे वो हम देखने जा रहे हैं। तो ये फोर्सेज हैं वाटर प्रेशर, वेट ऑफ दी डैम, अपलिफ्ट प्रेशर, आइस प्रेशर, वेव प्रेशर और शील्ड प्रेशर, विंड प्रेशर और प्रेशर ड्यू टू अर्थक्वेक। ये सारे ऐसे प्रेशर हैं जो कि इनके कारण, यानी कि वाटर प्रेशर, पानी का जो बहाव है पीछे से आ रहा है, पानी की वजह से एक प्रेशर एग्जर्ट होगा डैम पे, तो वो प्रेशर के इंडिया के मतलब करेगा। अपलिफ्ट प्रेशर होता है जो कि ज़मीन के अंदर से अंडरग्राउंड जो पानी है वाटर टेबल से अपलिफ्ट होकर ऊपर आता है और नीचे से उसकी बेसमेंट पे जो प्रेशर इंड्यूस करता है आया कि बहुत थोड़ा होता है, लेकिन कभी कभी वो भी एक हाईली मतलब उसके लिए स्टेबिलिटी के लिए काज मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आइस प्रेशर, आइस किसी भी अगर पानी वहाँ पे आइस जम गई और उसकी एक्सपेंशन हो जाती है फ़ौरन गर्मियों के दिनों में, तो वो उसकी वजह से भी थ्रस्ट एक उस पर आता है, धक्का आता है, तो उसकी प्रेशर आ जाता है, एक इंड्यूस होता है। और शील्ड प्रेशर जो कि पानी के साथ गारा वगैरह आ जाता है, साथ आके इकट्ठा हो जाता है, तो वो भी एक अपना लेयर बना के लेयर की सूरत में प्रेशर इंड्यूस करता है उस पर। और वेव्स जो आती हैं वो प्रेशर इंड्यूस करती हैं डैम पे। तो वो सारी ऐसे प्रेशर हैं जो कि उसको गिराना चाहते हैं, उसको ओवरटर्न करना चाहते हैं, तो उसको फेलियर की तरफ लेके जाना चाहते हैं। और जबकि उसके अंदर एक रेजिस्टिव फोर्स होती है जो कि वेट ऑफ द ग्रेविटी डैम के अंदर होती है, तो वो हमें इसके अकॉर्डिंग, इन सारे प्रेशर के अकॉर्डिंग हमें स्टेबली उसको डिज़ाइन करना है, एनालाइज करना है। ठीक है, अब वाटर प्रेशर देखते हैं। वाटर प्रेशर क्या होता है? वाटर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर होता है जो उस पर लगा होता है। ये हमने देखा है कि ये जीरो से स्टार्ट होता है, ये ट्राइंगल ही जाता है। ये अगर डैम है तो यहाँ पे ये पानी के लेवल है, तो यहाँ पे ये जो जो डेप्थ में जाते जाएंगे प्रेशर वो बढ़ता जाएगा वाटर का, उसे वाटर प्रेशर कहते हैं। और ये नीचे जो मैक्सिमम होता है ये कितना होता है? गैमा इंटू वाटर इंटू हाइट, जितनी हाइट में वो पानी होता है। ठीक है, तो ये प्रेशर आ जाता है यहाँ पे। अगर हमें वाटर प्रेशर टोटल निकालना है तो वो एक सेंटर पे एक्ट करता है यहाँ पे, कितने डिस्टेंस पे? h/3 डिस्टेंस पे बेस से एक्ट करती है वो फोर्स प्रेशर। उस प्रेशर को हम फाइंड करना चाहें तो इसका हम एरिया निकाल लेंगे, 1/2 हो जाएगा ये बेस इंटू हाइट, हाइट गैमा w h इंटू h। ठीक है, h² हो जाएगा। तो ये इसी तरह हमने फाइंड किया है, ये देखें वही काम किया हुआ सारा। ठीक है, सारा कुछ बताया हुआ डिटेलिंग से। और K2 आ जाता है इसमें, अभी हमने देखा जब बिल्कुल स्ट्रेट होता है ये। ठीक है, डैम का ये हील, ये अब मैं आपको ये बताना भूल गया कि ये पिछली साइड इसकी जो डैम की होती है अपस्ट्रीम साइड पे जो होती है ये हील कहलाती है, HELL हील, और जबकि ये टू कहलाता है। ठीक है, डैम का तो ये हील साइड अगर स्ट्रेट होगी तो उस केस में ये फार्मूले होंगे। अगर K2 हो जाएगा तो उसमें थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा प्रोसेस, उसमें ये भी आएगा प्रेशर और ये इसमें स्ट्रेट नहीं होता, ये इस तरह हो जाता है इंक्लाइन थोड़ा। तो इसके अंदर जो खला रह जाती है उसमें वाटर का एक प्रेशर होता है,
वाटर जो इंड्यूस करती है वर्टिकल डाउनवर्ड प्रेशर, वही यहाँ पे डाउनवर्ड साइड पे भी इंड्यूस करती है, तो ये भी ऐड हो जाता है इसमें प्रेशर, इस दूसरे केस में। इस प्रेशर के अंदर ये प्रेशर भी ऐड होता है, तो बस ये केस टू था इसका। इसके बाद आ जाता है वेट ऑफ द डैम। वेट ऑफ द डैम रेजिस्टिंग मेजर, वो कहता है सबसे मेजर रेजिस्टिव फोर्स ही ये है इसकी, ठीक है, इसको हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है। इसकी हम अज्यूम करते हैं, कंसिडर कर लेते हैं एनालाइज करते हुए कि इसकी लेंथ यूनिट लेंथ है और इसके सेंटर, ये वेट वो कहता है हमेशा इस क्रॉस सेक्शन के सेंटर पे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट करता है। वो देख लेंगे वो क्रॉस सेक्शन का जो भी बनेगा, तो सबका सम करेंगे तो वो वेट, टोटल वेट ऑफ डैम आ जाएगा हर ज्योमेट्रिकल सेक्शन का। फिर इसके बाद अपलिफ्ट प्रेशर होता है, वो प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वाटर, जो कि पानी ज़मीन के अंदर चला गया फाउंडेशन के जरिए, वो नीचे से बेस पे जो प्रेशर इंड्यूस करता है उसको हम अपलिफ्ट प्रेशर कहते हैं। सेपिंग वाटर एग्जर्ट अ प्रेशर ऑन द बेस ऑफ द डैम, और ये अपलिफ्ट प्रेशर यहाँ पे शो किया गया, ये है वाटर प्रेशर, जबकि ये बेस से जो पानी आ रहा है वो इस तरह का कुछ प्रोफाइल बनाता है, सीपेज, यानी कि जो बेस से अपलिफ्ट प्रेशर होता है वो अप स्ट्रीम साइड पे जो होता है उस साइड पे जो उसकी ये बनता है एरिया, वो होता है गैमा डब्ल्यू, यानी कि वाटर डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू एच, ठीक है, एच टोटल हाइट ऑफ अपस्ट्रीम साइड पे जो वाटर की डेप्थ है, और गैमा डब्ल्यू इस साइड पे जो होती है गैमा डब्ल्यू इंटू एच हो जाती है, अगर ये इसकी ये स्टेट हो, ठीक है। अगर यहाँ पे एक गैलरी दी जाती है, यहाँ पे एक गैलरी दी जाती है कभी कभी डैम में, अगर इसमें नहीं दी हो तो प्रोफाइल इस तरह का बनेगा और उसके लिए फार्मूले देखने हैं हम। लेकिन अगर इसमें प्रोफाइल गिवन होगी इस तरह की गैलरी, तो इसमें क्या होगा कि सीपेज जो प्रेशर है वो थोड़ा कम हो जाएगा, इसकी वजह से, इस गैलरी की वजह से वो ख़त्म हो जाएगा थोड़ा सा, उसका इफेक्ट ख़त्म होने की वजह से, निगलेक्ट होने की वजह से प्रोफाइल कुछ इस तरह का बन जाता है, ठीक है, ये प्रोफाइल कुछ इस तरह का बन जाता है, ये यहाँ इस तरह ना रहा है कि इस तरह हो जाता है थोड़ा सा। तो इसके केस में जो प्रेशर होगा, प्रेशर जो अपलिफ्ट प्रेशर है उसका फार्मूला ये बनेगा, ठीक है, जबकि इस केस में आप इस टोटल का एरिया निकाल लेंगे तो अपलिफ्ट प्रेशर आ जाएगा। इसका ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया और इसका रेक्टेंगल का एरिया करेंगे तो टोटल ये इसका प्रेशर आ जाएगा, अपलिफ्ट प्रेशर इस केस में और इस केस में दोनों के अलग-अलग फार्मूले होंगे। ये देखें, ये एक्सिस ऑफ डैम है, इसमें ये ड्रेनेज गैलरी है जो कि क्या करेगी, इसको अपलिफ्ट प्रेशर को थोड़ा सा कम कर देगी, उसके इफेक्ट को निगलेक्ट कर देगी। अब इसके बाद सिल्ट प्रेशर, सिल्ट प्रेशर ये देखें, ये सिल्ट यहाँ पे इकट्ठी हो गई है जो अपलिफ्ट पानी के साथ आई, वो एक प्रेशर इंड्यूस करेगी, उसकी हाइट अगर अच्छा है तो उसका जो फार्मूला होगा वो ये होगा, उसका प्रेशर ये होगा, उसका फार्मूला जो होगा वो सिल्ट का ये होगा, 1/2 गैमा सबमर्ज इंटू एच टू का स्केयर, यानी कि एच का स्केयर के ए, यानी कि एक्टिव अर्थ कांस्टेंट, एक्टिव प्रेशर जो है अर्थ का वो, तो ये आपको पता ही है ये क्या होता है, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा गैमा सबमर्ज, गैमा सबमर्ज क्या है, ये यूनिट वेट है किसका, इस सील्ड का यूनिट वेट, या कहेंगे आप सेचूरेटेड यूनिट वेट होगा, ठीक है, सबमर्ज, सॉरी सबमर्ज यूनिट वेट ऑफ सील्ड, यानी कि जो कि पानी के अंदर डूबा हुआ है, और सबमर्ज होता है किसके इक्वल है, ये सेचूरेटेड माइनस गैमा वाटर के होता है, ठीक है, सबमर्ज इक्वल, तो ये इस तरह ये फार्मूला होगा सील्ड का, याद रखेंगे आप। और ये वो कहता है ग्रेविटी डैम के अंदर यूजली इस प्रेशर को हम निगलेक्ट करते हैं, ये बहुत कम आता है, ठीक है, क्योंकि ये सील्ड जब इकट्ठी होती है ये एक तरह से इसके लिए फ़ायदेमंद हो जाती है, ये इसी का पार्ट बन के रह जाती है ग्रेविटी डैम का, और इसको ये हेल्पफुल होती है और तरह से इसको रेजिस्टिव फोर्स बन करने में, ठीक है। अर्थक्वेक फोर्सेस जो होती हैं, अर्थक्वेक फोर्सेस दो तरह की होती है, वर्टिकल एक्सलरेशन यानी कि ऊपर नीचे ज़मीन हिलेगी, या फिर हॉरिजॉन्टली लेटरली यूं यूं घूमेगी, ठीक है। वर्टिकल एक्सलरेशन जब होगी, यानी कि ये वर्टिकल एक्सलरेशन हो रही है गैमा वी वर्टिकल, तो इसमें जो रेजिस्टिव फोर्स मूवमेंट यानी कि इनर्शिया फोर्स जो होगी वो इसके अकॉर्डिंग डैम के अंदर वो अपवर्ड होगी, इसके अगेंस्ट प्रोड्यूस होगी, जबकि वेट तो डाउनवर्ड है। तो इस केस में जो प्रेशर होगा, प्रेशर का फार्मूला ये होगा, ठीक है, डब्ल्यू वेट है, डब्ल्यू और जी ये गैम, ये जो है अल्फा इंटू वी, ये किसके इक्वल है, ये के वी इंटू जी के इक्वल है, ये फैक्टर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.6 ऑलमोस्ट होती है, ठीक है। तो ये आपको गिवन होगी, ये पुट करेंगे आप, तो ये एक्चुअली इनर्शिया फोर्स है यहाँ पे, ये पूरी ये इनर्शिया फोर्स माइनस हुई है वेट में से, तो ये प्रेशर आ जाएगा आपके पास वर्टिकल एक्सलरेशन में अर्थक्वेक के दौरान, तो जो प्रेशर उस पर लग रहा है डैम पे, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल एक्सलरेशन जब होगी तो उस केस में जो प्रेशर है वो उसकी वैल्यू भी सेम एज इट इज़ आएगी, इसमें बस जो चेंजिंग आएगी वो
इसकी आएगी इस वैल्यू की, उसमें अल्फा वी की जगह पे क्या आ जाएगा, अल्फा एच आ जाएगा, और अल्फा यहाँ पे के वी की जगह पे के एच आ जाएगा, हॉरिजॉन्टली जो फैक्टर होगा वो आएगा, और यहाँ पे ये जो है एक्सेलरेशन हो रही है हॉरिजॉन्टली, तो इसके अकॉर्डिंग भी हॉरिजॉन्टली ही रेजिस्टिव फोर्स होगी जो कि मोमेंट इनर्शिया फोर्स प्रोड्यूस होगी डैम के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है कि वेव प्रेशर, वेव जो आ रही है पीछे से वो इंड्यूस करेंगी कुछ प्रेशर इस पर जो कि पी डब्ल्यू होगा, तो ये उसका वाटर लेवल है पीछे से जहाँ पे स्टेट थी पानी की लेयर जब नहीं बनी थी, उससे पहले जो पानी स्टेट था उसके वाटर लेवल वो ये शो हो रहा है, तो उस लेवल से ऊपर 2/3 × h होता है हाइट वेव की क्रस्ट से, और ये ट्रफ तक जो होती है वाटर लेवल से नीचे डाउनवर्ड h/3 होती है, और ये h क्या है यहाँ पे टोटल वेव की जो है कह सकते हैं आप हाइट है, और ये hw, इसको फाइंड करने का अलहदा से आपके पास फार्मूला होता है जो कि ये है, ठीक है। इसमें f क्या है, f स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन कितनी देर वो स्ट्रेट लाइन रही है, इससे वेव बनने से पहले कितनी देर वो स्ट्रेट थी, कितने दूर तक, अगर वो 32 किलोमीटर से ज़्यादा स्ट्रेट रही है तो ये वाला फार्मूला यूज़ होगा वेव की हाइट फाइंड करने के लिए। तो मेन हमारा एम ये है PW फाइंड करना है, और उसका फार्मूला यहाँ पे ये है, ठीक है। और ये कहाँ प्रोड्यूस होता है, वाटर लेवल से hw/8, इसके / 8 से के ऊपर फोर्स ये एक्ट करती है, ठीक है। और आइस प्रेशर क्या होता है, जाहिर सी बात है आइस नाम से ही जाहिर है, इसमें आइस बन गई और एक्सपेंशन जब हुई वो पिघली, तो फिर पहले कॉन्टेक्शन होती है आइस बनती है, तो फिर जब जैसी वो एक्सपें पिघली तो वो एक्सपैंड हुई, एक्सपैंड होने की वजह से एक थ्रस्ट जो उसके अलोंग लगा लेंथ ऑफ डैम पे, तो उसको हम कहते हैं एक आइस प्रेशर इंड्यूस हुआ है, तो वो अप्रोक्सीमेटली 250 से 1500 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वेयर होता है, लेकिन इसकी एवरेज हम 500 लेते हैं, ठीक है, इसमें फोर्स की जो प्रेशर है। It's caught in the crossfire.